अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सारे लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नासिरुल इस्लाम और आप सब लोगों का खैर मकदम है एक बार फिर मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आए हैं रेलवे स्टेशन खड़ी। आज से कोई 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी रेलवे स्टेशन खड़ी की, जिसमें अभी रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग थी वो बन रही थी। लेकिन आज उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया क्योंकि लोगों ने डिमांड की इस चीज़ के लिए कि आप फिर से वहाँ से अपडेट दीजिए। तो हम अभी रेलवे स्टेशन खड़ी में मौजूद हैं। जो बिल्डिंग उस वक्त बन रही थी, अभी सिर्फ उसमें ईंटें लगी हुई थी, पिलर्स लगी हुई थी, आज वो बिल्डिंग कहीं हद तक कंप्लीट है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए पीछे जो बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की, कि किस तरह के मनाजिर आज ये जाहिर कर रही है बिल्डिंग, जिसका काम अपने आखिरी मराहिल में है। और अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, क्योंकि मुख्तसर सी वीडियो है, और अंदर जाके हम देखेंगे कि किस तरह के काम हुए हैं रेलवे स्टेशन खड़ी में इन 9 महीनों। तो हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, जो कि उस वक्त हमने अपडेट दी थी रेलवे स्टेशन की कि अभी यहाँ पर कोई नाम शाम नहीं था, लेकिन आज मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं खड़ी लिखा हुआ है। और इसको हम कह सकते हैं कि एरे ऑफ होप, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट था यहाँ की 60,000 आबादी का, वो अब कहीं ना कहीं शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। और हम आपको देखेंगे पूरा नज़ारा। ये जो चीज़ है ये हमें इस तरह की खुशी दे रही है कि फाइनली 15 साल के बाद वो जो वेट है, वो जो ड्रीम है, वो अब पूरा होने को जा रहा है। क्योंकि रेलवे स्टेशन खड़ी का जो काम है तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 90% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी तैयारी हो चुकी है, जो पटरी है वो भी बिछना शुरू हो चुकी है। तो हम आपको दिखाएंगे पूरे मनाजिर इस रेलवे स्टेशन की। तो पहले आप देख लीजिए रेलवे स्टेशन के सिनेमैटिक व्यूज़। तो ये है हमारे प्लेटफॉर्म, यह है रेलवे स्टेशन खड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो साथ में दिखाए मनाजिर भी आसपास के, किस तरह की जो तामीराती काम है वो चल रहे हैं। तो ये है सारा रेलवे यार्ड खड़ी रेलवे स्टेशन का, और ये वो पुल है जहाँ से हमने वीडियो बनाई थी। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो रहे हैं, पटरी का काम चल रहा है, और ये जो उम्मीद की किरण है खड़ी रेलवे स्टेशन का नाम अब लिख चुका है। तो ये है प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन का, और ये है जो मैन बिल्डिंग। तो ये है रेलवे स्टेशन के मनाजिर जो अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ जा रहा है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का जो मेन बिल्डिंग है, जो उस वक्त हमने रिपोर्टिंग की थी, जिसमें वो अभी सिर्फ पिलर्स बने हुए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंग है अपनी उस आखिरी सूरत की तरफ जा रहा है, आखिरी मराहिल में इसका काम जा रहा है। और अगर हम कश्मीर उज़्मा जो न्यूज़पेपर है, कश्मीर उज़्मा उर्दू न्यूज़पेपर, उसकी माने तो उसमें एक खबर छपी थी कि अप्रैल 2023 में जो है खड़ी रेलवे स्टेशन तक बनिहाल से जो है वो ट्रेन चलाई जाएगी। और हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अप्रैल नहीं लेकिन अगले साल भी अगर ये खुशखबरी यहाँ के लोगों को मिलती है, तो फिर यहाँ के लोगों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारा जो एरिया है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कट ऑफ हो जाता है टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट। तो इसलिए जो रेलवे स्टेशन है, जो ट्रेन यहाँ पर चलना, वो एक ख्वाब यहाँ के लोगों का था जो अब पूरा होने को जा रहा है। और हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर जल्दी से जल्दी काम हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पहले वो बिल्डिंग पूरा दिखाए कि जो बिल्डिंग है खड़ी रेलवे स्टेशन की और प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, कि ये बिल्डिंग जो है मैन कॉम्प्लेक्स, जिसमें तमाम जो कंट्रोल्स है वो रहेंगे। पूरा सिनेमैटिक व्यू, और सामने जो आप टनल देख रहे हैं जो कि टनल 49 जो देश का सबसे बड़ा रेलवे टनल बनने को जा रहा है। सेंट्रल लॉबी और यूएस टिकट, ये है टिकट काउंटर का एरिया जहां पे रहेगा। ओ उमरो, कैसा हो?
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको खड़ी रेलवे स्टेशन से एक और मुख्तसर सी वीडियो दिखाई क्योंकि लोगों ने कहा था कि एक और अपडेट दीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और दिन फिर इस रेलवे स्टेशन से। आज से एक दो महीने बाद हम देखेंगे मार्च तक की, फिर यहाँ विजिट करेंगे और देखेंगे कि उस वक्त जो सूरत हाल है रेलवे स्टेशन का, जो काम है वो कितना होगा। फिलहाल ये मान लीजिए कि जो काम है रेलवे स्टेशन का वो अपने आखिरी मराहिल में है और उम्मीद ये है कि जो ड्रीम है, ए ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर 60 के जो पॉपुलेशन है उसका जो एक ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होने को जा रहा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ किसी और दिन इसी जगह से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।